आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर जनपद के गीडा थाना क्षेत्र में महिला की गोली मारकर हत्या, दो गिरफ्तार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 72वें शहादत दिवस पर देशवासियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया नमन। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। गोरखपुर जनपद के खजनी विधानसभा सीट से वर्तमान बीजेपी विधायक का टिकट कटने से समर्थकों में आक्रोश, दिया दो दिन का अल्टीमेटम। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले प्रोफेसर को जिला प्रशासन ने किया नजरबंद। और बलिया जनपद में पुलिस की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद के गीडा थाना क्षेत्र स्थित कैली गांव में घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। महिला का नाम संजू बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। इस संबंध में SSP विपिन ताडा ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए एडिशनल SP नॉर्थ के नेतृत्व में 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। मामले का शीघ्र खुलासा कर दिया जाएगा। हम लोग सोए हुए थे ना सर, तब कैसे बता सकते खिड़की से? आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची है, तमाम अधिकारी भी मौके पर आए हैं। घटना स्थल निरीक्षण किया गया है। घटना घर के अंदर की है और जब घटना हुई है तो घर में एक बच्चा और एक महिला भी मौजूद थे। तमाम प्रकरण की जाँच की जा रही है और जो भी तहरीर आएगी उसके आधार पर आगे कार्यवाही कर इसका शीघ्र अनावरण किया जाएगा। गोरखपुर जनपद के खजनी विधानसभा सीट से श्री राम चौहान को भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद वर्तमान बीजेपी विधायक संत प्रसाद के समर्थकों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोध कर रहे समर्थकों का कहना है कि बीजेपी ने बाहरी प्रत्याशी को खजनी विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इस संबंध में विधायक संत प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हम 2 दिन का समय देते हैं और 2 दिनों में अगर प्रत्याशी का चयन नहीं किया गया तो हम भी चुनाव लड़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले संत प्रसाद को कमियां बताए और कमियां बताने के बाद उनको निगलेक्ट करे कुछ समझ में आता है निश्चित तो। और अगर बिना कमी बताए घर से किसी को निकाल दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए, उन्हें दंड दिया जाए, ये अपराध है। हमारा केंद्र नेतृत्व से ये आग्रह है कि वो प्रत्याशी बदलना चाहे ना, लेकिन हमको तो कहीं स्थापित करे। हमारे कार्यकर्ताओं के हमारे और हमारे सम्मान की रक्षा होगी तभी हम शांत बैठेंगे। नहीं, हमारे कार्यकर्ता इतना उद्वेलित हैं हमें मजबूरन चुनाव में उतरना पड़ेगा। गोरखपुर जनपद में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आने लगी हैं। इसी क्रम में महानगर के अलीनगर में आज यूटिल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सुबह सवेरे लोगों को निःशुल्क चाय वितरित की गई, जिसका लाभ सैकड़ों लोगों ने उठाते हुए अपने आप को गर्म रखने का काम किया। इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नेश कुमार तिवारी ने बताया कि अलीनगर चौराहे पर दूर दराज से आने वाले मजदूरों दुकानदारों का जमावड़ा लगा रहता है, इसलिए आज हमने ये व्यवस्था की है। इस कपकपाती सर्दी जो आप देख पा रहे हैं कि अभी इतना समय पे भी धूप का एक किरण भी नहीं आया है, ऐसे सर्दी में हम लोग एक छोटा सा प्रयास किए हैं कि चाय की सेवा देने का। ये चाय की सेवा आज का हम लोग अलीनगर चौराहे पे दे रहे हैं, जहाँ पर तमाम मजदूर भाई लोग हैं और जो आसपास के दुकानों पर काम करते हैं या आसपास के जो झोपड़ियों में रहते हैं, ऐसे तमाम लोग आके इस चाय का आनंद ले रहे हैं। और खुशी की बात यह हुई कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जो रोड पे या जो गरीब है वही ठंड से ग्रसित है, ऐसा नहीं है। यहाँ यह भी देखने में आ रहा है कि जो लोग कार से या टेम्पो से ऐसे लोग भी उतर रहे हैं और चाय पी रहे हैं, ये बोलते हुए कि भैया बहुत सर्द है, ठीक है, एक कप चाय हमें भी दे दीजिए। बलिया जनपद में 4 दिनों पहले मनियर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव निवासी मुन्ना गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने शनिवार को खुलासा करते हुए हत्यारोपित 2 सगे भाइयों समेत 3 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, बाइक, मोबाइल, कट्टा सहित जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। एएसपी विजय त्रिपाठी ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर मौसेरा भाई अपने दोस्त और मां संग मिलकर मुन्ना गुप्ता की हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए शव का चेहरा कुचलने के बाद खेत में फेंक दिया था। दिनांक 25/1/2022 को थाना मनियर में लोहटा ग्राम में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी शिनाख्त बाद में मुन्ना गुप्ता के रूप में थाना मनियर के रूप में हुई थी। उक्त घटना के अनावरण के लिए थाना प्रभारी मनियर, SOG हमारे यहाँ की सर्विलांस टीम और इसके अलावा SO नगरा, इस तरह मिलाकर कुल 5 टीमें जो कि SP बलिया सिंह ने बनाई थी उनको लगाया गया था। बाद में सर्विलांस और विवेचना और अन्य मुखबिरी के माध्यम से 3 अभियुक्त इसमें प्रकाश में आए थे, एक अमित कुमार गुप्ता, भरत गुप्ता और शिव कुमार राजभर, इनको आज मनियर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद भी जनवादी पार्टी को बस्ती जनपद में एक भी सीट न मिलने से जनवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी मायूसी व्याप्त है। जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र चौहान के मुताबिक इनकी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से समझौता कर उनके साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने चौहान समाज के एक भी लोग को टिकट नहीं दिया, जिससे चौहान समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है। हमारे जो चौहान समाज का अब तक का रुझान था, ये जनवादी पार्टी और समाजवादी का गठबंधन था, तो हमारे समाज के लोग जान रहे थे कि ये जनवादी पार्टी और समाजवादी का गठबंधन है, तो हमारे समाज के लोगों को टिकट मिलेगा और जब टिकट मिलेगा तो हमारे लोग MLA होंगे, तो हमारे समाज का सेवा करेंगे, नाम बढ़ाएंगे, रोशन करेंगे, सबको विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, जोड़ेंगे। और आज हम लोगों को टिकट ना मिलने की उम्मीद लग रही है। कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं तो वाई बाई मार करके निकल जा रहे हैं समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो हमारा समाज कह रहा है कि जब हमारे समाज को टिकट नहीं तो समाजवादी को वोट नहीं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, शेष खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी सुनौली रोड गोरखपुर, आयुष रेजिडेंसी करजहा गोरखपुर, आयुष स्मार्ट सिटी सोनबरसा गोरखपुर, आयुष ग्लोबल सिटी माड़ापार गोरखपुर, आयुष ग्रीन सिटी परसा जाफर बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से, हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, पढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। महात्मा गांधी के 72वें शहादत दिवस के अवसर पर आज पूरा देश उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन कर रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर सायरन बजाकर 2 मिनट के लिए मौन धारण किया गया। इस संदर्भ में ADM फाइनेंस राजेश सिंह ने अमेज़ नाउ से बात करते हुए बताया कि 30 जनवरी भारतीय इतिहास का अहम दिन है। 1948 में इसी दिन नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान ADM सिटी विनीत कुमार सिंह एवं जिलाधिकारी कार्यालय के समस्त कर्मचारीगण मौजूद रहे। आज महात्मा गांधी जी का आज के समय में 1 मिनट से 2 मिनट का मौन व्रत रखा जाता है। अभी हमारे कलेक्ट्रेट के सभी लोग एकत्र हुए थे और हमने 2 मिनट मौन व्रत रखे लास्ट के लिए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टर संपूर्णानंद का अनशन आज भी जारी रहा। आपको बता दें कि डॉक्टर संपूर्णानंद पिछले 4 दिनों से अपने बसारतपुर आवास पर अनशन पर बैठे थे, लेकिन आज गांधी जी की शहादत दिवस पर उन्होंने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अनशन की चेतावनी दी थी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने उन्हें घर पर ही रोक दिया।
इस दौरान एडिशनल मजिस्ट्रेट अंशुमान सिंह ने उनसे मुलाकात भी की। इस मौके पर डॉक्टर संपूर्णानंद के साथ ही उनका समर्थन कर रहे लोगों ने अपना मांग पत्र भी एडिशनल मजिस्ट्रेट अंशुमान सिंह को सौंपा। पुस्तकें तैयार कर पाने में अक्षम है, इससे बड़ी विद्यानुशासनहीनता क्या हो सकती है। यह उच्च शिक्षा एवं शोध के पतन की पराकाष्ठा है। प्रांतीय एवं पिछड़े विश्वविद्यालयों में रिसर्च मेथोडोलॉजी एक नई अध्ययन तकनीक है। ऊपर से पुस्तकों का अभाव, परीक्षार्थी की मानसिक दशा में पुस्तक उत्तर पुस्तिकाएं फाड़े होंगे। इस पीड़ा की कोई विद्यानुशासित आचार्य इस पीड़ा को कोई भी विद्यानुशासित आचार्य ही महसूस कर सकता है। सर, संपूर्णानंद मल्ल जी का जो पूरा प्रयास है वो विश्वविद्यालय की जो गरिमा धूमिल हो रही है लगातार, उसके संरक्षण की थी, जिसके लिए वो गांधी जी के आह्वान पे या गांधी जी से प्रेरणा लेकर के अनशन पे बैठे थे। 3 दिन उनको हो चुका था, आज चौथा दिन था। आज जन जागरण अभियान के तहत उनका विचार था कि विश्वविद्यालय गेट के बाहर वो अपना कार्यक्रम चालू रखते। हम लोग उनके समर्थन में यहाँ आए थे, लेकिन पता ये चला है कि उनको प्रशासन ने जो है वहाँ आने नहीं दिया है। सामाजिक संस्था सनरोज द्वारा आज गोरखपुर के एक होटल में महिला सशक्तिकरण और कैंसर नियंत्रण जागरूकता के लिए मिस गोरखपुर स्टार का मुहूर्त एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हर्ष सिन्हा, लेखपाल विनय श्रीवास्तव समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस संबंध में प्रोफेसर हर्ष सिन्हा ने बताया कि सनरोज संस्था द्वारा इस तरह के आयोजनों से बच्चों में छिपी प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलता है। संस्कृति इन सब चीजों से जुड़ी हुई एक्टिविटीज धीरे धीरे अगर हम देखें तो कम होती जा रही है, और शायद उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो इस तरह से मंच मुहैया कराने वाली संस्थाएं थी उनमें भी कमी आई है। विवेक अस्थाना का ये प्रयास इसलिए बहुत स्तुत्य है और बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि न केवल उन्होंने इसके जरिए प्रतिभाओं को मंच दिया है, बल्कि स्त्री सशक्तिकरण या कैंसर से बचाव जैसे विषयों को, समाज के हित के विषयों को ये मंच पर ला रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ये जो छोटे बच्चे आज के कार्यक्रम में आए हैं ये संदेश लेकर जाएंगे, और यही भविष्य के भारत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस के मौके पर आज गोरखपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी अमर रहे के नारे भी लगाए। इस संबंध में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी में जो योगदान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर हम सभी महानगर कांग्रेस कमेटी और सम्मानित कांग्रेस जनों ने उनको पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया, उनको नमन किया। बलिया जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित इसरतगंज में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर हो रहे झगड़े को सुलझाने पहुंची पुलिस पर ही मोहल्ले के लोगों ने हमला बोल दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारते हुए उसका वर्दी फाड़कर सरेराह घसीटा भी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जमीनी विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी पुलिस दूसरे पक्ष को कब्जा कराने पहुंची थी। अरे मेरे दादा के नाम चला था, वो ही दिया नहीं है, ये नहीं है ना आपका, यही तो है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने अंबेडकर चौक स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गोरखपुर में अराजकता का माहौल है, प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, हत्याओं पर अंकुश लगाने में गोरखपुर पुलिस नाकाम है।
इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में सब कुछ जनता के हाथ में है, जनता जो भी करेगी वो अच्छा करेगी। पूरी उम्मीद है क्योंकि पिछले 5 साल में जो गोरखपुर की जनता ने सहा है, अब उसको जवाब देने का समय आ गया है। एक गलतफहमी तो मुख्यमंत्री ये दूर करें ना, वो इस गोरखपुर के मालिक है और ना गोरखपुर की जनता उनके गुलाम। जो तानाशाह उन्होंने यहाँ किए, जनता चुनाव में उनका जवाब दे। आज में बच्चों की हत्या हो रही है, ये शायद आप नहीं कर रहे हैं। अब कल भी एक हत्या हुई एक महिला की, मुझे भेजा यहाँ के कुछ पत्रकार साथियों ने कि गोली मार के हत्या कर दी। यही तो रामराज इसी की बात कर रहे थे। हमारे जनता जवाब देगी। जनता इसलिए चुप है क्योंकि जो बाबा जी के खिलाफ बोलता है वो क्या तो जो उसकी जान चली जाती है, उसको झूठे मुकदमे लगते हैं, जेल चला जाता है। चंद्रशेखर मुख्यमंत्री से नहीं डरता। और ये याद रखे कि हम देश के संविधान की ताकत में हैं, ना कि राजतंत्र और तानाशाही चलेगी। तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री खबरदार, जनता का शोषण बंद होगा। गोरखपुर जनपद के हरिओम नगर स्थित महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बलरामपुर हॉल में गोरखपुर कलाकार संघ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेशन फर्स्ट, यूपी जस्ट, योगी मस्त शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विधाओं के सैकड़ों कलाकारों ने हिस्सा लिया और आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ को जीत दिलाकर एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए परिचर्चा कर रणनीति तैयार की। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रेमनाथ ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरिप्रसाद सिंह, राकेश श्रीवास्तव, मानवेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी, अरुण सिंह, डॉक्टर प्रदीप राव, अजीत प्रताप सिंह, लोक गायक राकेश उपाध्याय सहित अन्य कलाकार उपस्थित रहे। आज हम लोग यहाँ एक कलाकारों का जमघट सा है और हम सभी एक आयोजन में शामिल हैं। उस आयोजन का नाम है नेशन फर्स्ट, यूपी जस्ट एंड योगी मस्ट। आप सब समझ रहे होंगे ये नारा जो बनाया गया है वो सब कितने अंतर्मन से निकला हुआ है। आज हमारे गोरखपुर की जनता, हमारे सारे कलाकार संघ, कलाकार छोटे बड़े हर तरीके के कलाकार आज यहाँ पर एकत्रित हैं। और न सिर्फ कलाकार संघ की ये बात है, मुझे तो लगता है कि पूरे यूपी में जो जो हम लोगों को फल दिख रहा है, योगी जी के जो कार्य दिख रहे हैं, जो विकास दिख रहा है, उसके लिए हम सभी अभिभूत हैं। उनके कार्यों की यहाँ पे क्या गिनाया जाए, पर आज जो ये आयोजन है ये कलाकारों की तरफ से है। हम सभी हर विधा के कलाकार हैं, नृत्य, गायन, संचालन, चित्रकला, पेंटिंग, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे हर तरीके के कलाकार शामिल हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने और 4 फरवरी से शुरू होने वाले नामांकन प्रक्रिया के लिए गोरखपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां और तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग कराई जा रही है। कोविड के कारण इस बार प्रत्याशी के साथ मात्र 2 लोगों को ही नामांकन कक्ष तक जाने दिया जाएगा। इस संदर्भ में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि जिले में निर्वाचन की अधिसूचना 4 फरवरी को लागू होगी। हमारे जनपद में 4 फरवरी से नामांकन प्रारंभ हो रहा है, 3 मार्च को मतदान होगा। तो नामांकन के लिए हमारे जनपद में 9 विधानसभाएं हैं, कलेक्ट्रेट के 9 न्यायालय इसके लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज से बैरिकेडिंग प्रारंभ कर दी गई है। तो जो आम नागरिक है, मैं उनको सूचित करना चाहता हूं कि 3 फरवरी के बाद से ही जो कलेक्ट्रेट के सामने वाली जो सिंगल लेन है, डबल लेन में से जो कलेक्ट्रेट की बाउंड्री से लगी हुई लेन है, वो आम आदमियों के लिए सुबह 10 बजे लेकर के शाम को करीब 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताजी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहे अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज़।